उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सस्पेंस बरकरार है। चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया। आइए जानते हैं कि क्या है वजह। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उपचुनाव की डेट की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर कब उपचुनाव होंगे इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अचानक से उपचुनाव क्यों रुक गया? चुनाव आयोग ने क्यों उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की? इसे लेकर जब राजीव कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर उपचुनाव की डेट की घोषणा नहीं की गई है उनको लेकर पिटीशन कोर्ट में दाखिल है, यानी मामला अदालत में है। दरअसल हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव की तिथि घोषित नहीं की। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 आम चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।